हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सन डिशेज को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं बात तो एक ही है चाहे तुम चाय पियो या कॉफ़ी, बात तो एक ही है चाहे वो मोबाइल देखे या टीवी, बात तो एक ही है चाहे मैं पिज्ज़ा खाऊं या बर्गर, बात तो एक ही है चाहे कोई दिल्ली में रहे या मुंबई में। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले जानते हैं बात तो एक ही है, तो इस क्लॉज के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इट्स द सेम। इट्स द सेम मीन्स इट इज द सेम, इट इज को मिला देंगे तो इट्स हो जाएगा, इट्स द सेम। उसके बाद हम लोगों को स्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा वेदर, और वेदर को लिखने के बाद कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लाएंगे वर्ब। वर्ब का यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आ सकता है, मतलब वर्ब फाइव। कहने का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वी वन या वी फाइव में से कोई एक आएगा। उसके बाद लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर वन। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आएंगे, याद रखिएगा, पहला ऑब्जेक्ट को लिखना है यहाँ पर, उसके बाद और लगाना है, और फिर से दूसरे ऑब्जेक्ट को लगाना है। मीन्स और के पहले और लास्ट में आपको जो है दोनों ऑब्जेक्ट लिखने हैं। इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है बात तो एक ही है चाहे तुम चाय पियो या कॉफ़ी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इट्स द सेम वेदर यू टेक टी और कॉफ़ी, इट्स द सेम वेदर यू हैव टी और कॉफ़ी। हैव टी या टेक टी दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं, हैव या टेक में से। नेक्स्ट सेंटेंस है चाहे तुम बोलो या ना बोलो बात तो एक ही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इट्स द सेम वेदर यू स्पीक और नॉट, इट्स द सेम वेदर यू स्पीक और नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस बात तो एक ही है चाहे वो मोबाइल देखे या टीवी देखे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इट्स द सेम वेदर ही वॉचेज मोबाइल और टीवी, इट्स द सेम वेदर ही वॉचेज द मोबाइल और टीवी। यहाँ पर अगर वर्ब भी हिंदी में दो दो बार आए लेकिन इंग्लिश में वर्ब एक ही बार आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बात तो एक ही है चाहे मैं पिज्ज़ा खाऊं या बर्गर, क्योंकि इफेक्ट सेम होगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इट्स द सेम वेदर आई हैव पिज्ज़ा और बर्गर, इट्स द सेम वेदर आई हैव पिज्ज़ा और बर्गर। आप चाहे तो हैव अ पिज्ज़ा और अ बर्गर आर्टिकल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बात तो एक ही है चाहे कोई दिल्ली में रहे या मुंबई में। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इट्स द सेम वेदर समवन लिव्स इन दिल्ली और मुंबई, इट्स द सेम वेदर समवन लिव्स इन दिल्ली और मुंबई। गाइस, इससे जुड़े आप एक सेंटेंस लिखिए, इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।